सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए समाज की तरक्की का सपना दिखाती है, लेकिन हकीकत में ये सपना कैसे असफल हो रहा है, इसकी एक उदाहरण काठीकुंड प्रखंड के मसनिया गांव में देखा जा सकता है। यहां सरकारी राशन दुकान के तहत तारडी गांव के रावण मुर्मू को शुरुआत से ही उचित मात्रा में चावल नहीं मिला। इस सरकारी राशन दुकान में मैं खुद प्रभावित हूँ। मैं सनातन मुर्मू और ये हमारे समुदाय। तीन कते चावल पे 25 के जी चे नोते घर चला कान या बांग चला तले नोते घर दो कमी कते जी घर दो चला तले आ रेडी नचार मनवा कान गाले बंगाल से होले चला सहान पड़ा कते हो वो दिया ले। भारत में गरीबी को दूर करने वाले सरकारी योजनाओं में से एक सरकारी राशन दुकान भी है, जिससे गरीबी के कुछ हिस्सों को थोड़ी देर के लिए राहत मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ उसके विपरीत है। जिस सरकारी राशन दुकान के तहत लाल कार्ड लाभुकों को 35 किलो चावल मिलनी चाहिए, यहाँ केवल 25 किलो अनाज ही मिलता है। यहाँ 5-6 गांवों के लोगों में यह स्थिति अभी तक इसीलिए विराजमान है क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है और न ही संबंधित पदाधिकारी इसका निगरानी करते हैं। सरकार रेट कटा करना होना सही के लिए नाम जो मैंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो इसीलिए बनाया ताकि हम लोगों को उचित मात्रा में राशन वितरण किया जाए। आप सभी शुभचिंतकों से मेरा गुजारिश है, आप हमारी मदद करें। अतः इसके लिए काठीकुंड के वीडियो ज्ञान शंकर जयसवाल का कॉन्टैक्ट नंबर 9431328324 पर दबाव बनाएं। मैं सनातन मुर्मू, जिला दुमका, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।